बच्चों, आज हम आपकी बुक में जीके की बुक में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। देश और उसकी राजधानी। कैपिटल्स मीन्स होता है राजधानी एंड कंट्रीज मीन्स होते हैं देश। यहाँ पर कंट्रीज हैं, उनके कैपिटल्स के नेम दिए हुए हैं। हमें मिडल में कंट्रीज़ के कैपिटल्स के नंबर लिखने हैं। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। आप सभी का ध्यान चैप्टर पर। मैच द कॉलम ए, जहाँ पे कंट्रीज़ लिखा हुआ है, एंड द कॉलम बी, जिसमें कैपिटल्स लिखे हुए हैं। राइट द करेक्ट नंबर फ्रॉम द कॉलम बी इन द बॉक्स गिवन इन कॉलम ए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कॉलम ए में कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं एंड कॉलम बी में कैपिटल्स के नेम दिए हुए हैं, एंड मिडल में आंसर्स दिए हुए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आइए बच्चों, हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। क्या है बच्चों? फर्स्ट नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने ही लिखा है फोर्थ नंबर। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। क्या है बच्चों? कैनबेरा। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर है अफगानिस्तान। कौन सी कंट्री है बच्चों सेकंड नंबर पर? अफगानिस्तान। उसके सामने के आंसर बॉक्स में मैंने लिखा है नंबर 6। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है नंबर 6। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर लिखा है भूटान। भूटान के सामने मैंने आंसर बॉक्स में लिखा है 1। तो भूटान का कैपिटल है थिम्फू। क्या है बच्चों? थिम्फू। फोर्थ नंबर पर है कनाडा। क्या है बच्चों? फोर्थ नंबर पर कनाडा। एंड उसके सामने मैंने लिखा है नंबर 8। क्या लिखा है बच्चों? नंबर 8। अब आप ढूंढिए कॉलम बी में नंबर 8 कहाँ लिखा है एंड वहाँ का कैपिटल क्या है। यस, दैट्स गुड। ये है नंबर 8, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। क्या है बच्चों? ओटावा। अब हम आते हैं नंबर 5th। नंबर 5th पर है चाइना। क्या है बच्चों? चाइना, जिसे हम चीन भी कहते हैं। उसके सामने के आंसर बॉक्स में मैंने लिखा है नंबर 3rd। थर्ड नंबर कहाँ है बच्चों? कॉलम बी में देखिए, थर्ड नंबर के सामने क्या लिखा है? इट्स बीजिंग। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। क्या है बच्चों? चाइना का कैपिटल है बीजिंग। अब हम आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पर है जर्मनी। क्या है बच्चों? जर्मनी। उसके सामने मैंने आंसर लिखा है नंबर 10। अब हम कॉलम बी में कैपिटल्स की रो में नंबर 10 पढ़ते हैं। चलो बच्चों, कॉलम बी में कैपिटल्स की रो में नंबर 10 देखो। यस, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। क्या है बच्चों? बर्लिन। अब हम आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे लिखा है इटली। कौन सी कंट्री है बच्चों नंबर 7 पे? इट्स इटली। इटली के सामने मैंने आंसर बॉक्स में लिखा है नंबर 2। अब आपको कॉलम बी में कैपिटल्स में नंबर 2 देखना है। रोम। क्या लिखा है बच्चों? रोम। इटली की कैपिटल है रोम। अब हम आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पर कौन सी कंट्री है बच्चों? 8 नंबर पर है फ्रांस। कौन सी कंट्री है बच्चों? इट्स फ्रांस। उसके सामने मैंने आंसर बॉक्स में लिखा है 5th नंबर। इट्स पेरिस। फ्रांस की राजधानी है
पेरिस। क्या है बच्चों? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब हम आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पर है इंडोनेशिया। कौन सी कंट्री है बच्चों? इंडोनेशिया। एंड उनके सामने मैंने आंसर लिखा है 15 नंबर। आइए बच्चों हम देखते हैं 15 नंबर पर कौन सा आंसर है। 15 नंबर पर है जकार्ता। क्या है बच्चों? 15 नंबर पर है जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। अब हम आते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 पर है इज़राइल। एंड उसके सामने मैंने नंबर 7 लिखा है। अब हम देखेंगे नंबर 7। बच्चों आपको बताना है कॉलम बी में नंबर 7 पर क्या लिखा है और आपको ढूंढना भी है नंबर 7 कहाँ है। बताइए बच्चों नंबर 7 कहाँ है। इज़राइल की राजधानी क्या है बच्चों? इट्स नंबर 7 जेरूसलेम। अब हम आते हैं नंबर 11 पे जापान। जापान के सामने मैंने लिखा है आंसर 13 नंबर। क्या लिखा है बच्चों? 13 नंबर। बताइए बच्चों 13 नंबर पर क्या है। कॉलम बी में नंबर देखिए 13 नंबर। मुझे पढ़ के बताइए बच्चों जापान का कैपिटल क्या है। इट्स टोक्यो। बताइए बच्चों टोक्यो कहाँ लिखा है। थर्टीन नंबर पर लिखा है टोक्यो। सब लोग फटाफट ढूंढो और मुझे बताओ 13 नंबर पर टोक्यो कहाँ लिखा है। यहाँ पे लिखा है टोक्यो। अब हम आते हैं 12 नंबर पर कंट्रीज में जहाँ लिखा है म्यांमार। उसके सामने मैंने आंसर लिखा है 9 नंबर। अब आपको बताना है कॉलम बी में 9 नंबर कहाँ है एंड उसका कैपिटल क्या है। म्यांमार का कैपिटल क्या है। उसके सामने मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा है नंबर 9। अब आप ढूंढिए कॉलम बी में कैपिटल की रो में नंबर 9 कहाँ है एंड उसके सामने क्या लिखा है। यस वेरी गुड। 9 नंबर पर लिखा है नाइफो ड्यू एंड मायो ड्यू। ये है म्यांमार का कैपिटल। अब हम आते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर पर लिखा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सामने मैंने आंसर बॉक्स में लिखा है नंबर 17। क्या लिखा है बच्चों? नंबर 17। अब आपको कॉलम बी में कैपिटल्स की रो में नंबर 17 ढूंढना है और बताना है कि नंबर 17 पे कैपिटल नेम क्या है। चलो बच्चों फटाफट ढूंढिए और आप बताइए मुझे नंबर 17 पे क्या लिखा है। यस वेरी गुड इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। नंबर 17 पे लिखा है इस्लामाबाद। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 14 नंबर पर फिलीपींस। क्या लिखा है बच्चों? फिलीपींस। फिलीपींस के सामने मैंने आंसर लिखा है 20। आइए बच्चों हम 20 नंबर पे देखते हैं क्या लिखा है। 20 नंबर पे लिखा है मैनीला। फिलीपींस की राजधानी है मैनीला। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर सऊदी अरेबिया। उसके सामने मैंने आंसर लिखा है 18 नंबर। बताइए बच्चों कॉलम बी में 18 नंबर में क्या लिखा है। तो बच्चों कॉलम बी में 18 नंबर पर सऊदी अरेबिया का कैपिटल लिखा है रियाद। क्या लिखा है बच्चों? रियाद। नेक्स्ट है 17 नंबर स्पेन। क्या है बच्चों? स्पेन। उसके सामने मैंने आंसर लिखा है नंबर 19। नंबर 19 के सामने लिखा है मैड्रिड। क्या लिखा है बच्चों? मैड्रिड।
उसके बाद नेक्स्ट नंबर है नंबर 18। नंबर 18 पे लिखा है थाईलैंड। उसके सामने मैंने आंसर लिखा है नंबर 16। नंबर 16 पे बताइए बच्चों क्या लिखा है, थाईलैंड का कैपिटल क्या है बच्चों? थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। क्या है बच्चों? बैंकॉक। नेक्स्ट है नंबर 19। नंबर 19 में कौन सी कंट्री लिखी है बच्चों? इट्स यूके। एंड उनके सामने मैंने आंसर लिखा है नंबर 11। नंबर 11 में बताइए बच्चों क्या लिखा है, इट्स लंदन। क्या लिखा है बच्चों? लंदन। नेक्स्ट है नंबर 20, जिसमें कंट्री का नेम लिखा है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड 19 नंबर पे लिखा है यूके, उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 20, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके सामने मैंने आंसर लिखा है 14 नंबर। अमेरिका का कैपिटल है बच्चों 14 नंबर पर। आप देखिए 14 नंबर और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बच्चों 14 नंबर पर इसका आंसर क्या होगा। यस, वेरी गुड, वॉशिंगटन। 14 नंबर पर लिखा है वॉशिंगटन। USA का कैपिटल है वॉशिंगटन। ओके बच्चों, ये था आपका चैप्टर, यहाँ पे फिनिश होता है कंट्रीज एंड कैपिटल्स के। आपने इस चैप्टर में 20 कंट्रीज के 20 कैपिटल्स देखे। अब आपको इन कंट्रीज के नेम एंड इनके कैपिटल्स याद रखने हैं। ओके बच्चों, और आपको आंसर आपकी जीके की बुक में भी लिख लेना है। नमस्ते।